नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुख्यालय में लगा बच्चों के लिए विंटर कार्निवल, पूरे भारत से 350 से भी अधिक बच्चों ने लिया भाग, पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल वर्कशॉप्स। और ब्रह्मा कुमारीज यूके द्वारा क्रोध पर विजय विषय पर ऑनलाइन वर्कशॉप, बीके योगेश ने दिए एंगर मैनेजमेंट के कई कारगर सुझाव। कोरोना काल में जिंदगी में लगे अचानक ब्रेक से बड़ों के साथ साथ बच्चों की मानसिकता पर भी गहरा असर पड़ा है, जिसको देखते हुए संस्था के एजुकेशन विंग द्वारा मनमोहिनी वन परिसर में बच्चों के लिए पहली बार सुंदर एवं रोचक विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, अजमेर समेत देश के कोने कोने से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस विंटर कार्निवल में पहुंचे। किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास चार चीजों, शारीरिक, मानसिक, अद्भुत हुनर और संवेदना को मिलाकर ही होता है। इन चारों गुणों से संपन्न बच्चा भविष्य में बेहतर समाज का निर्माण करता है। कोरोना काल में घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। बच्चों की वृद्धि, विकास और व्यवहार में आए चिंताजनक बदलाव को देखकर पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका एक प्रयास संस्थान द्वारा किया गया है। संस्थान के एजुकेशन विंग ने पहली बार बच्चों के लिए 5 दिन का विंटर कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से सैकड़ों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस कार्निवल में पहुंचे। इस कार्निवल में बीइंग पॉजिटिव पर वर्कशॉप, एक्सरसाइज, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव मेडिटेशन के साथ साथ फोटोग्राफी की टेक्निकल क्लासेस को भी शामिल किया गया। किस किस को पता है पैनोरामा क्या होता है? एक आध कोई बताओ। हाँ बताओ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल लेंस से हम जब लेते हैं, एक बार में एक ही क्लिक होता है, पर अगर हमें एक लंबा सीन को लेना है तो वो पैनोरामा काउंट होता है। कार्निवल के दूसरे दिन बच्चों के लिए संस्थान के तपोवन फार्म हाउस पर लॉन्ग जंप, नींबू रेस समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्निवल में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी ये कार्यक्रम बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ। बच्चों ने जहां इस कार्निवल का मजा लिया, वहीं पेरेंट्स ने भी मेडिटेशन और पॉजिटिव रहने के तरीके सीखे। जो सिचुएशंस, जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी कि जैसे किसी प्यासे को पानी की बूंद मिल जाती है, ऐसे इन बच्चों को भी इतना उमंग उत्साह मिला है कि मैं बहुत एनकरेज कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के। ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, दे गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी पेरेंट्स। संस्था के तपोवन फार्म हाउस में पहुंची हमारी सहयोगी बीके आंचल ने बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात की और उनके अनुभव जाने। श्रेया, हम लोग इस समय खड़े हैं संस्थान के तपोवन फार्म हाउस में, जहां पर बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं, चाहे वो उनके रेस कॉम्पिटिशन की बात हो। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, और इनसे हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। अजमेर से। आपका क्या नाम है? प्रशस्ति। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या किस तरह के प्रोग्राम अभी तक आप लोगों ने किए? उधर देख के बात कीजिए। मैंने अभी नींबू रेस किया है। हाँ? और अभी रेस का भी होगा, एंजल ग्रुप का। ओके। स्पोर्ट्स। अच्छा। ओम शांति। मेरा नाम अंशी पटेल है, मैं उल्लासनगर से हूँ, मुंबई। मैं यहाँ पे विंटर कार्निवल में आई हूँ, बीके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। और जब लॉकडाउन था, 2 साल एकदम बंद थे, पेरेंट्स डिप्रेशन में आ गए थे, बच्चे इरीटेट हो गए थे, बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे, और उसके बाद 2 साल बाद कहीं आने का मौका मिला है, वो भी इतने पवित्र स्थान पर, इतनी अच्छी जगह पर आए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, खेल कूद के साथ
साथ ज्ञान भी मिल रहा है, डिप्रेशन गुस्सा को शांत करने की चीज़ें। अभी मैंने 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। एंड बहुत ही थैंकफुल है कि ऑर्गेनाइज किया गया है, बच्चे सब सीख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। मैंने बहुत सारी एक्टिविटी भी करी है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड 100 मीटर रेस, ऐसे तो बहुत मुझे मजा आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आए हैं, एक पैसा नहीं लगा हम लोगों का यहाँ आने के लिए, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमको मिली हैं, जिसके लिए मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं कहने के लिए। अगर पीके ब्रह्म कुमारी अगेन कार्निवल बच्चों के लिए करते हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी डॉटर को लेकर यहाँ आऊंगी। जो लेक्चर देते हैं जी, तो वो हमें रोकते हैं कि किसी को गुस्सा नहीं करना, तो हम सोचते हैं क्यों करना बच्चों को भी गुस्सा। मतलब जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, जो यहाँ पे सुनाया जा रहा है, वो आप लोगों को भी पूरा पहले हमें सुनाया जाता है कि आपने बच्चों के साथ एंगर नहीं होना। हाँ। तो जब एंगर ही नहीं होना तो फिर बच्चा भी बड़ा खुश है। हाँ। नहीं तो हम बात बात पे डांटते उसको। बच्चे ज्यादा खुशी के लिए आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जाके ना मम्मा गुस्सा करेंगे ना पापा गुस्सा करेंगे, हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हम दोनों आए हैं और हम दोनों अपने सब बच्चों को खूब इंजॉय करवा रहे हैं। तो मैं हम लोग मतलब ये मान सकते हैं कि आप जो आपका यहाँ पर है कि गुस्सा नहीं करना, वही आप घर पे भी जाके करेंगे? कोशिश तो करूंगा ही, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो कोशिश करना मेरा है कि मैं करूंगा। तो मतलब मेडिटेशन को जो है बच्चों के लिए उपयोगी रहा है, वो आपके लिए भी फुल उपयोगी रहा है? हाँ मैम, मेडिटेशन 2015 से करता हूँ। ओके। तो मैं तो रेगुलर आता रहता हूँ और अच्छा। मुझे पता है यहाँ पूरा एंजॉय मिलता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी अपने बेटे को लेके आया हूँ। किसानों को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और वे ग्रामीण समृद्धि के पीछे का एक प्रमुख कारक है। किसानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए देश हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। ब्रह्म कुमारी संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आजादी के अमृत वर्ष में किसानों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हुए पूरे भारत वर्ष में किसान सम्मान के 1000 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। एमपी सारंगपुर के ग्राम बावड़लिया में आयोजित कार्यक्रम में किसान भाई बहनों को शाश्वत यौगिक खेती प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि हानिकारक रसायनों के बिना भी आध्यात्मिक तकनीकी से बीज उपचार और फसलों को योग के प्रयोग से अच्छी तरह लाभ का जरिया बनाया जा सकता है। वही गुजरात के राजकोट मेहुल नगर सेवा केंद्र पर भी आयोजित किसान दिवस स्नेह मिलन कार्यक्रम में 90 किसान भाइयों और बहनों ने शाश्वत यौगिक खेती के फायदे जाने। कोरोना के बाद बढ़ती शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए संस्था के मेडिकल विंग पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र पर हेल्थ कैंप लगाया गया। औरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं धनकवड़ी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में लगाए गए इस कैंप में लोगों का निशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आई चेकअप के साथ साथ डॉक्टर्स द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया। वहीं सेवा केंद्र पर आए औरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर बालाजी कल्याणी, पुणे रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित श्वेता लाय गुणे को सेवा केंद्र प्रभारी बी के शुलभ ने उनके सहयोग का धन्यवाद करते हुए ईश्वरीय सौगात से सम्मानित किया। अब खबर अंतरराष्ट्रीय जगत की। यूके ब्रह्म कुमारीज की ओर से चलने वाली ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत क्रोध पर विजय प्राप्त करने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें टर्की के बी के योगेश ने क्रोध को नियंत्रण करने के कई कारगर उपाय बताए। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।